नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू की बात कर रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट इशू है कि पिछले 2 साल में अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के कारण और अब कोरोना वायरस के कारण जितनी भी कंपनियां चाइना से बाहर आ रही हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया में आएंगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम कंपनियां इंडिया में आना चाह रही है, ज्यादातर कंपनियों का इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में है जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम ये सब कंट्री आते हैं। हम 8 कारणों पे फोकस करेंगे और उन कारणों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वियतनाम, हम यहाँ पे वियतनाम एज ए केस स्टडी ले रहे हैं लेकिन सिमिलर पैरामीटर मलेशिया एंड थाईलैंड पे भी अप्लाई होता है। तो क्यों कंपनियां वियतनाम जाना चाह रही है और वो इंडिया नहीं आना चाह रही है? इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतने बड़े मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा, बट इसके बावजूद भी एक छोटे कंट्री में सारी कंपनियां क्यों जाना चाह रही है? तो ऐसे हम 8 कारणों को देखते हैं। बट इसके पहले, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि हम अगले बार जब वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि वो 8 कारण क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड वाइड जिस कंट्री का भी इकोनॉमिक पावर ज्यादा होता है, उसका मिलिट्री पावर ज्यादा होता है और उसके बाद वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा होता है, ये सारे पैरामीटर्स को मिला के आपका ग्लोबल फोरम पे आपका वेट बढ़ता है, आपकी बातों का वजन ज्यादा होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इंडिया में काफी यंग पॉपुलेशन है। अगर ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होता है इंडिया में तो ये आने वाले टाइम में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनने वाला है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट किया जाए, जो यंग जनरेशन है वो वर्कफोर्स में जब कन्वर्ट होंगे तो उनके पास काम करने के लिए कुछ काम उनके लायक होगा जहां पे वो काम कर सकेंगे। और ये सिर्फ काम, मैं सिर्फ लेबर सेगमेंट में या ब्लू कॉलर में नहीं बोल रहा हूँ, एक क्वालिफाइड काम भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हर पूरे बैंडविड्थ में, फ्रॉम द लोअर स्किल टू अपर स्किल, हर स्किल में काम अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये शायद एक नेशनल सिक्योरिटी इशू इंडिया के लिए बन सकता है। स्पेशली हम इस वीडियो में देखेंगे कि ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चाइना में, वो इंडिया क्यों नहीं मूव हो रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कारणों से जरूरी है। और उसमें से एक कारण ये है कि टिपिकली जो इंडिया में आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में मोस्टली हाई स्किल्ड जॉब अवेलेबल है, जो एक बैचलर डिग्री सेट क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द लेबर क्लास टू द हायर क्लास पूरा ये बैंडविड्थ अवेलेबल रहेगा, जिसमें हर टाइप के लोग फिट हो सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक और फायदा यह है कि इसके एंट्री एंड एग्जिट बैरियर काफी मुश्किल होते हैं। मतलब अगर कंपनी को सेट करना है तो वो भी काफी मुश्किल होता है, एक बार कंपनी सेट हो गया तो उसे निकालना भी काफी मुश्किल होता है। तो इससे एक स्टेबिलिटी भी आता है इकोनॉमी में, जबकि आईटी सेक्टर में एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर काफी लो है, काफी आसानी से कंपनी इंटर हो सकती है और काफी आसानी से कंपनियां बाहर भी जा सकती है। ये देखिए कुछ कंपनी का लिस्ट है जो ऑलरेडी चाइना से मूव होकर वो दूसरे जगह पे जा चुका है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को अभी तक नहीं मिला, इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी नहीं रहा है। ज्यादातर कंपनियां जो है वियतनाम गई हैं, मलेशिया गई हैं या थाईलैंड गई हैं। यहाँ कुछ कंपनियां हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की है, जो इंडिया भी आई हैं। और ये दूसरा इंडेक्स आप देख सकते हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट के कंपनियों पे जब सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आप कहाँ मूव होना चाहते हैं, तो वियतनाम नंबर 1 पे था, जिनका रेटिंग 0.62 था। अगर इंडिया का आप रेटिंग देखिए तो इवन दो ये 4th रैंकिंग में है, लेकिन रेटिंग अपने आप में चॉइस, लोगों कंपनी का चॉइस जो है वो अपने आप में वियतनाम का हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो कंपनी प्रीफर कर रही है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर कंट्री में जाएं और इंडिया उनका फर्स्ट चॉइस नहीं है। अब हम आगे बढ़ें और सारे रीजन पे बात करें, उससे पहले कुछ फैक्ट हम इंडिया के बारे में जान जाते हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर हम नॉमिनल GDP की बात करें तो, 3 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। और इजी टू डू बिजनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग 63 है, जो कि बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। 2014 में ये रैंकिंग 143 था, तो काफी तेजी से इजी टू डू बिजनेस में इंडिया ने रैंकिंग अपना इंप्रूव किया है।
इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम वियतनाम की बात करें तो उसका इजी टू डू बिजनेस के रेटिंग्स में, रैंकिंग्स में वो 70 है। तो पहले कारण पे हम आते हैं। पहला कारण है कि वियतनाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही बढ़िया है। डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन है, उसमें भी वो हमसे बेटर कंसिडर किए जाते हैं। इवन दो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, बट इसके बावजूद भी हम पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट पे सिर्फ 7% ही एक्सपेंस करते हैं, जबकि वियतनाम सिर्फ हेल्थ केयर पे 7.5% अपने GDP का एक्सपेंस करता है। तो ये हेल्थ केयर है। सिमिलरली उनका एडुकेशन भी हमसे ज़्यादा बेटर माना जाता है, और उसके एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने अपने कंट्री में मैंडेटरी एडुकेशन लोगों के लिए 2009 में अप्लाई किया, जबकि वो 2001 में अप्लाई किया। एडुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी है कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं चाइना ने मैंडेटरी एडुकेशन अपने सिटीजन के लिए 1986 में अप्लाई किया था। इसके अलावा जैसे हमने अपना इकोनॉमी ओपन किया ओपन मार्केट के लिए 1991 में, वियतनाम अपना इकोनॉमी ओपन कर चुका है 1986 में, जिसको हम दोई मोई पॉलिसी भी कहते हैं। तो चूंकि वो पहले इकोनॉमी ओपन किया, उसका बेनिफिशरी वो बना, उसे ज्यादा बेनिफिट ज्यादा पहले से मिलना स्टार्ट हुआ, इंडिया उस रेस में थोड़ा पीछे था। एक और इम्पोर्टेंट कारण है करेंसी वोलेटिलिटी। इंडिया का करेंसी जो है फ्री मार्केट की तरह US के साथ वो कॉम्पिटिट करता है और कम या ज्यादा हो सकता है, जबकि वियतनाम का करेंसी इस जो सिस्टम मेंटेन करता है उसे क्राउलिंग पेग सिस्टम कहते हैं। उन्होंने अपना करेंसी USD के साथ टाई कर दिया है, तो जब USD बढ़ता या घटता है तो ऐसे ही वियतनाम का करेंसी भी घटता या बढ़ता है, जबकि इंडिया का करेंसी USD के साथ टाइड नहीं है, ये मार्केट में डिमांड या सप्लाई के हिसाब से खुद बढ़ता घटता है। तो ये एक बिजनेस अनसर्टेनिटी लाता है जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपी का इनकम होता है, यहाँ जो भी कंपनी सेटअप करती है जो 100 रुपीज का इनकम होता है, तो उस 100 रुपीज में आज के डेट में, आज 75 रुपीज का एक डॉलर मिल रहा है, तो आज के डेट में उन्हें ऑलमोस्ट 1.3 या 1.4 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद ये करेंसी डीवैल्यूएट होती है और 100 रुपये का एक डॉलर मिल रहा है, उस समय भी उन्हें सेम प्रॉफिट के लिए सिर्फ एक डॉलर ही मिलेगा। तो इस ढंग से उनका प्रॉफिट अनसर्टेन हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखते हुए। लेकिन वियतनाम में वो चूंकि क्राउडिंग पेक सिस्टम है, तो वो हमेशा USD के साथ ही टाई रहता है। अगर USD बढ़ता है तो वियतनामी करेंसी भी बढ़ जाता है, और USD घटता है तो वियतनामी करेंसी भी घट जाता है। तो इस ढंग से बिजनेस को थोड़ा कम अनसर्टेनिटी लगता है वियतनाम में इन्वेस्टमेंट करने में कंपेयर टू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से। ये शायद आपको मालूम होगा कि 1947 में इंडिया में 1 USD का 1 रुपया होता था, और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, ये USD के साथ टाइअप था कि हमेशा जैसे USD बढ़ेगा या घटेगा उसके साथ हमारा रुपया भी बढ़ेगा घटेगा। लेकिन बाद में हमने अपने करेंसी को डीवैल्यूएट करना स्टार्ट किया और बाद में हम फ्री मार्केट में आ गए हैं। लेकिन अभी तक वियतनाम फ्री मार्केट में नहीं आया है, अभी भी वो क्राउडिंग पेग में है। हो सकता है फ्यूचर में वो फ्री मार्केट में आ जाए, लेकिन अभी वो क्राउडिंग पेग स्टेटस में आ भी सकते हैं। एक और कारण है जो कि इंपॉर्टेंट कारण है, मिनिमम वेजेज या एवरेज वेजेज वियतनाम में इंडिया से कम है। आप यहाँ देख सकते हैं 2013 से 2018 तक का डेटा, तो मिनिमम वेजेज वहाँ पे कम होने के कारण जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और कम एक्सपेंसेस में उनके काम हो जाएंगे जिससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। एक और कारण है कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस इंडिया में थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 27 क्लियरेंस की जरूरत होती है इंडिया में, 27 प्रोसेसर्स की जरूरत होती है इंडिया में, जबकि सिमिलर कंपनी को क्रिएट करने में वियतनाम में ऑलमोस्ट 8 प्रोसेसर्स की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया काफ़ी बुरा कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप इजी टू डू बिजनेस का रेटिंग्स देखिए तो 2014 में 143 था रेटिंग, जो कि अब इम्प्रूव होकर 63 हो गया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इसके रिस्पेक्ट में आप वियतनाम का रेटिंग देखिए तो 70 है उसका रेटिंग। तो इवन दो हमारा इजी टू डू बिजनेस रेटिंग्स काफ़ी इंप्रूव है, लेकिन और हमें करने की जरूरत है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। दूसरे कंट्री अगर सिर्फ 8 प्रोसीजर से कर रहे हैं तो हमें 28 की क्यों जरूरत है। नेक्स्ट रीजन अगर देखिए तो वियतनाम ने मैन्युफैक्चरिंग हब बना कर रखा है, उस हब में हर ढंग की फैसिलिटी है। ये हब हो मिन शी कहा जाता है। इस हब में इलेक्ट्रिसिटी
कट बिल्कुल नहीं है। सी पोर्ट से इस हब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर है, काफी अच्छा है। लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी गवर्नमेंट करके रखी हुई है और जैसे ही कंपनी आती है तो उन्हें तुरंत ही वो लैंड अलॉट कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस मैन्युफैक्चरिंग हब में है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब अभी इंडिया में कुछ स्टेट्स या तो बना रहे हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल रेडी करके ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में अवेलेबल नहीं है जहां पर डायरेक्ट कंपनी आए और इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंपनियां कहां से मूव हो रही है, वो कंपनियां मूव हो रही है वियतनाम से। तो कंपनी जो वियतनाम में बिजनेस कर रही है उसी टाइप का बिजनेस और किस कंट्री में हो रहा है, अगर इसका रेटिंग किया जाए तो वियतनाम उसमें नंबर वन है। और जब उसी टाइप का बिजनेस उस कंट्री में ऑलरेडी हो रहा है तो सारे इकोसिस्टम्स उनके पास बने हुए हैं जिसका कि उनको फायदा मिलेगा। डेफिनेटली कोई कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए कोई अगर ऑटोमोटिव कंपनी है तो वो उन कंट्री में जाना चाहेगी जहां पे उनके सारे सप्लायर्स, सारे लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ना कि उन कंट्री में या उस लोकेशन पे जाना चाहेगी जहां उन्हें सारा चीज सेटअप करना पड़ेगा। तो ये भी एक काफी बड़ा एडवांटेज देता है वियतनाम को कि उनका सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस जो चाइना के साथ है वैसे बिजनेस का इकोसिस्टम काफी हद तक डेवलप है। वहां पे 50% की मैचिंग है जबकि इंडिया में वो मैचिंग कम है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कारण है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आपको याद होगा टाटा नैनो का सिंगूर में क्या केस हुआ था, उन्होंने काफी हद तक वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था और उसके बाद फार्मर एजिटेशन होने लगे जो कि मोस्टली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो वहां पे फार्मर एजिटेशन होने लग गए और फाइनली रतन टाटा को काफी इन्वेस्टमेंट करके उन्हें वहां से मूव करना पड़ा। सिमिलरली आप देखिए जो अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, वो प्रोजेक्ट भी शायद थोड़े हद तक रिस्क में है। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुआ तो करंट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमें बुलेट ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें फार्मर लैंड लेने की जरूरत नहीं है बुलेट ट्रेन के लिए। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। तो शायद कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जब एक प्रॉमिस इन्वेस्टर्स को कर दिया गया है तो नो मैटर कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है या क्या हो रहा है, आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया है तो उनके इन्वेस्टमेंट को एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये देखिए वियतनाम जो है चाइना से बहुत नज़दीक है। चाइना में एक सेंजन जो जगह है वहाँ पे काफ़ी सारे इकोसिस्टम है, जैसे होलसेलर, रिटेलर एंड बहुत सारे बिजनेस की इकोसिस्टम, बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे। तो वियतनाम मूव होने में उस इकोसिस्टम से कोई स्टिल वियतनाम यूज करेगा और वो कॉस्ट एडवांटेज है कंपनीज के लिए। अगर वो इंडिया आती है सी रूट से तो ये काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा और ये कॉस्ट एडवांटेज नहीं है। सो दिस अनदर रीज़न कि क्यों वो वियतनाम मूव हो रही है। इन सब कारणों को देखने के बाद अब एक बार हम देखें कि इंडिया क्या क्या और ज्यादा अच्छा कर सकती है। मैंने जैसा बोला इंडिया ऑलरेडी अच्छा कर रही है, जैसे उनका इजी टू डू बिजनेस रेटिंग काफी इंप्रूव हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो काफी अच्छा कर रही है लेकिन और क्या बेहतर कर सकती है। तो और बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 27 क्लियरेंस है इंडिया में, वियतनाम में 8 क्लियरेंस है। तो अगर 27 क्लियरेंस बिल्कुल मैंडेटरी है या शॉर्ट रन में उसे चेंज नहीं किया जा सकता है तो इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बनाया जा सकता है कि सारे 27 डिपार्टमेंट्स क्लियरेंस जो है एक ही विंडो में आप एप्लीकेशन डालिए और वहां से वो करेंगे। तो इसे शायद इन्वेस्टर्स को थोड़ा आसान होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। दूसरे साइड में लैंड एक्विजिशन इंडिया में काफी प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन बिल काफी दिनों से आ रहा है जो शायद पास नहीं हो पा रहा है। तो लैंड एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को शायद लैंड ऑलरेडी एक्वायर करके रखना चाहिए जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उन्हें डिक्लेयर करके रखना चाहिए और इन्वेस्टर्स जैसे ही आए उन्हें लैंड वो आसानी से मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर आया सेटअप किया और फिर भी कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा शायद जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देने के बारे में भी सोच सकता है। मैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ जिस इंडस्ट्री के साथ या तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है या अगर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री आए तो उसके साथ और 1000 सप्लायर आ जाएंगे या वैसे इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजिकली इंडिया को काफी एडवांस लेवल पे ले जा सकता है, जैसे एरोस्पेस या उस टाइप की इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो उस टाइप के स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देने के बारे में भी एक बार सोच सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट कोई
प्रभावित ना हो, इसके लिए इन्वेस्टर्स को एक प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए भी जो भी कदम उठाने की जरूरत है गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि इतनी सारी कंपनियां चाइना से मूव हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा इंडिया को प्रोएक्टिवली उठाना चाहिए। जो कमियां हैं उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो कि बहुत ही फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। और इसके अलावा जो कमियां हम बहुत जल्दी पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए इन्वेस्टर को एक टाइमलाइन के साथ एश्योरेंस अगर मिल जाए कि ठीक है अभी तो हमारे पास ये नहीं है, लेकिन विद इन हम 1 ईयर आपको एक आपका मैन्युफैक्चरिंग हब से सी रूट का हम 10 लेन या 5 लेन हम रोड बनाकर दे देंगे, तो ऐसा 1 ईयर या 2 ईयर के टाइमलाइन में अगर उन्हें प्रॉमिस मिले तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस इंडिया भी होगा और ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था एनालिसिस पूरे वीडियो का, और मैं किस टॉपिक पे नया वीडियो बनाऊं आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।